हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि रेगुलर बेसिस पे क्लासेस नहीं आ रहे हैं अभी। इन दिनों में पीरियडिक टेस्ट्स एंड प्रीबोर्ड्स को लेके कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हूं, तो इस वजह से क्लास अवेलेबल नहीं करवा पाता हूं आप लोगों को। लेकिन अब से लेके रेगुलर बेसिस पे आपको क्लास मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज कुछ एक नए तरीके से। शुरू होने जा रहा है हमारा डेली वोकैबुलरी क्लास। पहला वर्ड है क्वाश, जो कि एक वर्ब है, मीनिंग है समाप्त करना, पुट एन एंड टू। सिनोनिम्स स्टैम्प आउट, पुट ए स्टॉप टू। एंटोनिम्स ब्रिंग अबाउट। एग्जाम्पल सेंटेंस, ए हॉस्पिटल एग्जीक्यूटिव क्वाश्ड रूमर्स दैट नर्सिंग स्टाफ विल लूज जॉब्स। जैसा कि हमने क्वाश का मीनिंग यहाँ ऊपर में सीखा है, समाप्त करना, ठीक है, पुट एन एंड टू। तो इसको जब एग्जाम्पल सेंटेंस में हमने यूज़ किया, तो ये समझाया जा रहा है कि ये हॉस्पिटल एग्जीक्यूटिव, एक हॉस्पिटल एग्जीक्यूटिव ने क्वाश्ड रूमर्स दैट, एक रूमर था, अफवाह था जो फैल गया था पूरे हॉस्पिटल में, उसको क्वाश्ड किया, मतलब समाप्त किया। दैट, वो रूमर क्या था, दैट नर्सिंग स्टाफ विल लूज जॉब। तो एक नर्सिंग स्टाफ जिसने अपना जॉब खो दिया है, ऐसा एक रूमर फैल गया था पूरे हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव ने वो रूमर समाप्त किया। ए हॉस्पिटल एग्जीक्यूटिव क्वाश्ड रूमर्स। समझ में आया। सो जो क्वाश का मीनिंग हमने सीखा था, समाप्त करना, उसको हमने सेंटेंस में यूज़ किया, उसका मीनिंग समझा, और वो पिक्चर देख के आप आइडिया लगा सकते हो, जैसे कि ये नर्सिंग स्टाफ है उसके आसपास, और ये है हॉस्पिटल का एग्जीक्यूटिव, वो सबको समझा रहा है और बोल रहा है कि ये जो अफवाह फैल गया है ये सच नहीं है, इसको बंद किया जाए, रूमर है ये, ठीक है। तो रूमर को बंद करने की मीनिंग को यहाँ समझाया गया है क्वाश्ड के ज़रिए, क्वाश्ड रूमर्स, यानी कि रूमर को समाप्त किया गया। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रिंसिक। नेक्स्ट में समझाया गया है इंट्रिंसिक, जो कि एक एडजेक्टिव है, मीनिंग है आंतरिक, इनहेरेंट। अब इंट्रिंसिक का मीनिंग जो यहाँ इनहेरेंट लिखा गया है, तो इसका मीनिंग है जैसे कि नेचुरली, जो भी चीज़ नेचुरली बिलोंग करता है, ठीक है, और नेचुरली हम कुछ अगर अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ को इंट्रिंसिक कहा जाता है। और उसका ठीक ऑपोजिट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ एंटोनिम्स में, एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक वो नेचुरली नहीं होता है, वो हम बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत चीज़ इंक्लूड करने के बाद फिर जाके उस चीज़ को अचीव कर पाते हैं, मीन्स नेचुरली नहीं मिलता हमें। जैसे कि मान लीजिए कुछ एक आपका मदर टंग, ठीक है, आपका मदर टंग, वो आप इंट्रिंसिक वे में सीख लेते हो, लेकिन दूसरा जो लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए आप अलग अलग बुक्स, टीचर्स, ये सब बाहर से यूज़ करते हो, फिर जाके वो लैंग्वेज तुम्हारे जहन में आता है, ठीक है। सो उसे कहा जाता है एक्सट्रिंसिक मोड। क्लियर। और कुछ एक टैलेंट, स्किल्स, या फिर ऐसा कुछ भी जो नेचुरली या फिर इनबॉर्न, जन्म से ही हमारे पास है, वो भी इंट्रिंसिक है। जैसे कि यहाँ पर सिनोनिम्स में आपको देखने को मिल रहा है इननेट, इनबॉर्न, ठीक है। तो एक एग्जांपल सेंटेंस लेते हैं, शायद और अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। एग्जांपल सेंटेंस में बोला गया है, एन इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ डॉग्स इज़ दैट दे आर लॉयल। डॉग का एक इंट्रिंसिक क्वालिटी है कि वो लॉयल होते हैं, ठीक है, धोखा नहीं देते, अपने मालिक, ओनर जो भी होता है उसके प्रति लॉयल होते हैं, वफादार। तो ये जो डॉग्स की क्वालिटी है, ये हर डॉग्स में जन्म से ही है ना, नेचुरली है, अलग से ट्रेनिंग लेके वो अपने आप में डेवलप नहीं करते ना। तो इस चीज़ को यहाँ इंट्रिंसिक वर्ड से समझाया गया कि ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी डॉग्स के लिए
इंट्रेंसिक है। ये देखिए कितना सा क्यूट सा डॉग, चाहे डॉग कोई भी हो, हर डॉग में ये क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा कि वो वफादार होते हैं, लॉयल होते हैं अपने मालिक के प्रति। और ये जो क्वालिटी है उनके प्रति, ये जो लॉयल्टी, ये इंट्रेंसिक है, इनबॉर्न है, जन्म से ही उनके पास होता है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्लेमेंसी। अच्छा, ये डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर स्टॉप करके कुछ बताना चाहता हूँ कि ये दो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा टाइम लेके, दो क्वेश्चन मीन्स दो वर्ड, थोड़ा सा टाइम लेके और एक्सप्लेन किया एंड साथ ही साथ पिक्चर भी प्रोवाइड किया। तो पिछले क्लासेस में क्या होते थे, मैं बस जो भी लिखा होता था वो बहुत ही फास्ट वे में आपको पढ़ के सुनाता था, और बहुत ही रेयर केस में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करता या फिर एक्सप्लेन ही नहीं करता। इसका एक ही रीज़न है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इतने स्किल्ड है कि ये सब कुछ पहले से ही पता है और देख के समझ में भी आता है, और वो एग्ज़ाम के पर्पज़ के, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके पास और भी हज़ारों टॉपिक्स है जो कवर करने हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि उनका इस चीज़, इस क्लास के रिगार्डिंग कोई टाइम वेस्ट हो, जल्दी से जल्दी वो अपना स्टॉक कवर कर ले और दूसरे टॉपिक में मूव कर ले। फिर भी अगर आप लोग जो भी व्यूअर्स है यहाँ पर, उनको लगता है कि हमारे इस क्लास में एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत है, जैसे कि नंबर वन और नंबर टू मैंने अभी किया है एज ए डेमो, तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो अपकमिंग जो क्लासेस होंगे उनमें मैं हर वर्ड का ऐसे ही पिक्चर के साथ एक्सप्लेन किया करूँगा, ठीक है। अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके पिक्चर भी दिखा के आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ताकि ये वर्ड और भी ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहें और आप अपने खुद के लाइफ में ये सब यूज़ कर पाएँ, ठीक है। जब तक यूज़ नहीं करेंगे तब तक याद नहीं रहेगा, आज सीखेंगे कल या परसों भूल जाएंगे। तो आज का ये टू वर्ड एज ए डेमो था, आप देखिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं, और ये आपको अपकमिंग क्लासेस में ऐसे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि नहीं। अगर चाहिए तो ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। बाकी नंबर थ्री वर्ड से हम पहले के जैसा आज के क्लास में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर थ्री, क्लेमेंसी, जो कि एक नाउन है, मीनिंग है दया, मर्सी। इसका एंटोनिम्स आप अगर देखेंगे तो वह है रूथलेसनेस, ठीक है। एक तरफ आपको दया दिखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ रूथलेसनेस दिखने को मिलेगा, क्लियर। और सिनोनिम्स में हम देखें तो लेनेंसी एंड लेनियंस, क्लियर। एग्जाम्पल सेंटेंस में हम देख सकते हैं, शी वॉज ग्रांटेड क्लेमेंसी आफ्टर किलिंग हर वायलेंट हस्बैंड। नेक्स्ट एटनट, एक वर्ब है, मीनिंग है दुर्बल करना, वीकन। इसका मीनिंग अगर दुर्बल करना है तो इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, शक्ति देना होगा, दैट मीन्स स्ट्रेंथन। तो सिनोनिम्स क्या है इसके, रिड्यूस, लेसन। एग्जाम्पल सेंटेंस, व्हेन द वॉल्स बिल्ट टू एटनेंट द फोर्स ऑफ वाटर कोलैप्स्ड द सिटी फ्लडेड। मीन्स व्हेन द वॉल्स बिल्ट टू एटनेंट, मीन्स जो वॉल्स बनाए गए थे वो बहुत ही वीकन बनाए गए थे, ठीक है। सो द फोर्स ऑफ द वाटर कोलैप्स्ड, वाटर जो आ रहा था उस साइड से, उसके फोर्स ने वॉल को गिरा दिया, उस वजह से पूरे शहर में फ्लड हो गया, ठीक है। तो वॉल जो बनाना चाहिए वो अटनेट नहीं बनाना चाहिए हमें, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है पिजोरेटिव। पिजोरेटिव एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग है अपमानजनक, डिसपैरागिंग, ओके, डिसपैरागिंग, अपमानजनक। तो अगर इसका मीनिंग अपमानजनक है, डिसपैरागिंग, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, कम्प्लीमेंटरी। एंटोनिम्स क्या होगा, कम्प्लीमेंटरी। और उस हिसाब से सिनोनिम्स क्या होगा, डेरोगेटरी एंड डेप्रिकेटर। एग्जाम्पल सेंटेंस में हम देख सकते हैं, परमिसिवनेस इज यूज्ड ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एज ए पेजोरेटिव टर्म।
नेक्स्ट नंबर सिक्स, सकम्ब एक नाउन है जिसका मीनिंग है राजी होना। सकम्ब एक नाउन है, मीनिंग है राजी होना। यील्ड, अगर इसका मीनिंग सकम्ब का मीनिंग हमने क्या सीखा, राजी होना, तो इसका एंटोनिम्स है रेजिस्ट, राजी ना होना। ठीक है, सो सिनोनिम्स है गिव इन, गिव वे। एग्जाम्पल सेंटेंस, वी कैन नॉट मेयरली गिव अप एंड सकम्ब टू डिस्पेयर। वी कैन नॉट मेयरली गिव अप एंड सकम्ब टू डिस्पेयर। देखो यहाँ एक वर्ड है गिव अप। गिव अप और लेटिंग गो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों को मिक्स मत कर देना। गिव अप यानी कि कोई भी काम आप ट्राई कर रहे हो और एक मोमेंट ऐसा आया कि आप हार मान चुके हो, ठीक है, वो काम आप करना तो चाहते हो लेकिन आप ये समझ गए हो कि वो आपकी बस की बात नहीं है, आप हार मान रहे हो, दैट इज़ गिव अप। और एक काम ऐसा है कि आपने अपना बेस्ट दिया, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और टाइम सब कुछ दिया, फिर भी वो अचीव नहीं हो पा रहा है, तो आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए आप ये बोल रहे हो कि वो काम जाए बाहर में, ठीक है, वो काम जाए बाहर में, मैं दूसरा कोई काम कर लूँगा, दूसरा कोई चीज़ में अपना टाइम, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क वो दे दूँगा। यानी कि आप पूरी तरीके से उस चीज़ को आपके दिमाग से निकाल रहे हो, दैट इज़ अ लेटिंग गो, बाहर में जाने दो, ठीक है। ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं ना, तो इंग्लिश में आजकल उसको लेटिंग गो कहा जाता है, और हिंदी में हम ऐसे बहुत सारे वर्ड यूज़ करते हैं जिसमें से एक मैंने आपको बताया कि बाहर में जाने दो। क्लियर, गिव अप में क्या होता है, आप हार भी मान रहे हो और वो पूरी ज़िंदगी आपके जहन में है, आप उसको बार बार याद कर रहे हो और अपने आप को कोस रहे हो, ठीक है, उसे कहते हैं गिव अप, यानी कि आप उस टॉपिक को भूल ही नहीं पाते हो। और लेटिंग गो में क्या होता है, लेटिंग गो का स्पेलिंग बता दूँ आपको, LETTING, ओके, कन्फ्यूज़ मत होना। तो लेटिंग गो में क्या होता है, आप उस टॉपिक को पूरी तरीके से आपके दिमाग से ही निकाल रहे हो, दोबारा कभी याद नहीं करने वाले हो और उसको सोच के अपने आप को कोसने वाले नहीं हो। क्लियर, सो दिस इज द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सेवन, एपिजोटिक एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग है अनिरंतर, इंटरमिटेंट। सो अनिरंतर बोला गया इसका मीनिंग, तो एंटोनिम्स क्या होगा, निरंतर मीन्स कंटिन्यूअस। सो सिनोनिम्स देख लेते हैं, इररेगुलर, स्पोरेडिक, और एग्जांपल सेंटेंस देख लेते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी इज टू एपिजोटिक इन नेचर। नेक्स्ट, अच्छा, वॉल्केनिक एक्टिविटी इज़ टू एपिजोटिक इन नेचर, ये तो सिंपल सा लाइन है, ये मीनिंग तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है वो क्या है, अनिरंतर है, रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, अचानक कभी आपको देखने को मिलेगा ये सब एक्टिविटी, तो नेचर में ये सब एक्टिविटी इररेगुलर है। क्लियर, इंटरमिटेंट बोल सकते हो या एपिजोटिक तो हमने यूज़ ही किया है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कल्मिनेट। कल्मिनेट का कल्मिनेट एक वर्ब है और मीनिंग है समापन, पिक। सो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, एंड। और सिनोनिम्स अगर हम देखें तो वो है कम टू ए हेड, क्लाइमैक्स। एग्जांपल सेंटेंस, द डे विल कल्मिनेट विद ए प्रेजेंटेशन टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट नंबर नाइन, कॉन्स्टेंटली, एडवर्ब, निरंतर, ऑलवेज। कॉन्स्टेंटली का मीनिंग क्या है, ऑलवेज। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, ओकेजनली। मीनिंग कॉन्स्टेंटली का मीनिंग ऑलवेज, तो इसका ऑपोजिट वर्ड एंटोनिम्स क्या होगा, ओकेजनली। उस हिसाब से सिनोनिम्स क्या होगा, ऑल द टाइम, कंटिन्यूअली। सो एग्जाम्पल सेंटेंस में हम देख रहे हैं, द वर्ल्ड इज कंस्टेंटली
चेंजिंग, यानी कि वो निरंतर चेंज होते जा रहा है, हमारा जो विश्व है वो निरंतर चेंज होते जा रहा है। दैट इज़ द रीज़न वी आर टेलिंग द वर्ल्ड इज़ कंस्टेंटली चेंजिंग। लास्ट वर्ड आज के क्लास का वो है नंबर 10, विम। ये वर्ड शायद आपने इससे पहले सुना ही नहीं होगा। सो विम एक नाउन है जिसका मीनिंग है आवेग, इम्पल्स। सो इसका सिनोनिम्स है अर्ज, नोशन, और एंटोनिम्स जो कि ऑपोजिट वर्ड है वो है स्टेबिलिटी। एग्जाम्पल सेंटेंस, शी बॉट ईट ऑन ए विम। अपने आवेग के चलते हुए उसने वो खरीद लिया। शी बॉट ईट ऑन ए विम। क्लियर। इसी के साथ हमने 10 वर्ड आज के क्लास में ख़त्म कर लिए हैं। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये सब भी सीखा, हिंदी मीनिंग भी सीखा, इंग्लिश भी सीखा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी सीखा, एग्जांपल सेंटेंस भी देखा। और आज के क्लास में हमने 2 वर्ड को लेके थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी हमने किया, जिसमें हमने पिक्चर्स भी देखे ताकि वो ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में रहे। ठीक है, सो लास्ट मोमेंट आ गया है, तो टाइम आ गया है वर्ड ऑफ द डे चूज़ करने के लिए। सो वर्ड ऑफ द डे चूज़ करते हैं, डॉग्स के लॉयल्टी को रिस्पेक्ट करते हुए आज के वर्ड ऑफ द डे चूज़ किया जा रहा है इंट्रिंसिक, जिसके मीनिंग हमने सीखे थे इनहेरेंट, एंटोनिम्स एक्सट्रिंसिक, और सिनोनिम्स हमने सीखे थे इनेट, इनबॉर्न। यहाँ पर एग्जांपल सेंटेंस हमने सीखा था इंट्रिंसिक वो होता है जो नेचुरली बिलोंग करता है, इनबॉर्न जन्म से ही हमारे पास होता है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ ऐसे मीनिंग को समझते हुए हमने एक एग्जांपल सेंटेंस देखा था, एन इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ डॉग्स इज़ दैट दे आर लॉयल। डॉग का एक इंट्रिंसिक क्वालिटी होता है कि वो लोग लॉयल हैं, वो लोग अपने मालिक के साथ कभी धोखाबाजी नहीं करते, हमेशा अपने ओनर के लिए वफादार रहते हैं। तो ये जो लॉयल्टी है ये डॉग्स का एक इंट्रिंसिक क्वालिटी है। तो इंट्रिंसिक वर्ड जो नेचुरली बिलोंग करता है, इनबॉर्न हमारे पास रहता है, या फिर हमारे डेली लाइफस्टाइल में भी जो भी चीज़ हम नेचुरली अडॉप्ट कर रहे हैं जिसके लिए अलग से हमें कोई प्रचेष्टा नहीं करना पड़ रहा है, सो वो सब चीज़ इंट्रिंसिक माना जाएगा। और जिसके लिए अलग से हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, अलग से एफर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको एक्सट्रिंसिक माना जाएगा। क्लियर, तो आज का वर्ड ऑफ द डे हमने चूज़ कर लिया। हमने बहुत कुछ नए तरीके अप्लाई किए हैं। अब आप लोगों को फीडबैक देना है कि आप लोगों को क्लास कैसा चाहिए। ठीक है, या तो टाइम बचाने के लिए पहले जैसे करते रहें, और या तो ये नया टेक्निक अप्लाई करें ताकि वर्ड्स आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए और आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने में आसानी हो। क्लियर, तो फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा, उसी के ऊपर डिपेंड करके अपकमिंग क्लासेस आएंगे। Till then, happy reading, keep learning, keep growing. This is Mr. Shupriya signing off.